आज हम क्लास 8 गणित अभ्यास 3 परिमेय संख्या की धारणा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि संख्या के प्रकार में परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हम अब विस्तार से पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या है क्या। ठीक, अब उदाहरण के लिए एक उदाहरण देता हूं। मान लो मैंने एक सवाल दिया तुम्हें, 2x = 13। ठीक है, 2 × x = 13। अब अगर सवाल करें कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, तो 2 × x = 13 है, तो x का मान अगर निकालना है तो ये 2 जो इंटू में है, x के साथ इंटू है, वो जब बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा यानी इस तरफ आएगा, तब किस तरफ जाएगा, ये क्रॉस होता है, हमेशा क्रॉस होकर नीचे की तरफ आता है जब इंटू के रूप में होगा तो। ठीक, अगर ये प्लस या माइनस के रूप में होता तो उस तरफ प्लस, अगर यहाँ प्लस है तो वहां माइनस होता, माइनस है तो उस तरफ जाता तो प्लस हो जाता। चूंकि यहाँ पे 2 और x इंटू के रूप में है तो 2 जब बराबर के इस तरफ दाहिनी तरफ जाएगा तो हमेशा क्रॉस होके कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी ये हो जाएगा 13/2। तो ये जो संख्या आया x = 13/2, अब ये कौन सी संख्या है? क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? नहीं। क्या ये एक पूर्ण संख्या है? नहीं। पूर्णांक संख्या है? नहीं। क्या ये भाज्य है? नहीं। तो ये जो है एक प्रकार की संख्या है जिसे हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि हमने इसके पहले जाना हुआ है कि परिमेय संख्या का हम लोग p/q, जहां पे q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, इस रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, x जो संख्या का मान है 13/2, वो देखो p का मान है 13 और q का मान है 2, यानी x को p/q के रूप में लिखा गया, यानी ये जो संख्या है ये असल में एक परिमेय संख्या है, इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि परिमेय संख्या का योग, वियोग, उनका गुणफल और उनका भागफल किस तरह से निर्णय होता है, और उससे संबंधित कुछ नियमों को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या का योगफल। कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं 2/3, और एक संख्या लेते हैं मान लो 3/5। ये दो परिमेय संख्या, इनका योगफल यानी प्लस, 2/3 + 3/5, जब प्लस किसी भी दो परिमेय संख्या का प्लस कैसे करेंगे, जब प्लस करेंगे ध्यान दो, नीचे वाली जो संख्या 3 और 5, इसका एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, लसा होगा 3 और 5 का लसा होगा 15, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे आएगा 5, 5 से ये 2 गुना होगा तो यहाँ पे आएगा 10, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, वो 3 से 3 गुना होगा तो आएगा +9, कितना आ रहा है 19/15। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, 2/3 + 3/5 हमने किया था दो परिमेय संख्या के योगफल, इसी प्रकार मैं ऐसा करता 3/5 + 2/3, तो क्या आंसर कुछ अलग आता, चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी जब लसा करेंगे, 5 और 3 का लसा करेंगे तो 15 ही आएगा, 5 से 15 डिवाइड होगा तो 3 आएगा, 3 से 3 गुना आएगा तो 9, ठीक उसी 3 से 15 डिवाइड होगा तो 5 आएगा, 5 से 2 गुना होगा तो +10, तो देखो 19.50/15 ही आएगा, यानी 2/3 + 3/5 करने से भी 19/15 आया, और 3/5 + 2/3 करने से भी 19/15 है। यानी कहने का मतलब, कोई भी एक परिमेय संख्या अगर a है उसके साथ दूसरी परिमेय संख्या b जोड़े तो a + b करने से भी जो होगा, b + a करने से भी वही मान आता है। यानी a + b, किसी भी दो परिमेय संख्या को अगर a + b लिखा हो, उसे अगर हम b + a लिखें तो भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो बराबर होता है। तो यहाँ तक योगफल समझ गए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं परिमेय संख्या का वियोगफल। वियोगफल यानी माइनस। कोई भी दो परिमेय संख्या लेते हैं, उदाहरण के लिए हम लोग जैसे मान लें 3/7 / 4/3, मान लो ये दस संख्या मैंने ली 3/7 और 4/3, अब इसका वियोगफल निकालना है, वियोगफल यानी माइनस। अब देखते हैं 3/7 और 4/3 का वियोगफल क्या है। तो सबसे पहले नीचे का जो अंश है उसे क्या करेंगे, गुना करेंगे यानी लसा निकालेंगे, लसा करेंगे 7 और 3 का तो लसा आएगा 21, अब 7 से 21 डिवाइड होगा 3, 3 से 3 गुना आएगा तो आएगा 9, माइनस यह वाला माइनस, 3 से 21 डिवाइड होगा तो 7, 7 से 4 गुना होगा तो आएगा 28, अब 9 - 28 = 19, 19/21 - 5 क्योंकि बड़ा 28 है तो आएगा -19/21। माइनस क्यों है, क्योंकि 28 बड़ा, 28 का सिंबल क्या है, माइनस, तो वो वाला सिंबल है माइनस, -19/21। तो हमने क्या किया था, 3/7 - 4/3। अब अगर हम ये करते कि 4/3 - 3/7 करते तो भी क्या सेम आंसर आता, चलो करके देखते हैं।
यहाँ पे भी हम लसा करेंगे, 3 और 7 का, 3 और 7 का लसा वही 21 ही आएगा, 3 से 21 डिवाइड होगा तो 7 आएगा, 7 से 4 गुना होगा तो 28, माइनस 7 से 21 डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 से 3 डिवाइड होगा तो 9, यानी 28 में से 9 गया, यानी ये होगा 19/21। देखो प्लस में आया, यानी कहने का मतलब एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को जब वियोग करेंगे यानी a माइनस b करेंगे, तो a माइनस b करने से जो उत्तर आता है वो b माइनस a करने से नहीं आता है, वो b माइनस a करने से नहीं आता है। यानी a माइनस b करने का जो मतलब है, a माइनस b करने से जो परिमेय संख्या मिलेगी, जैसे यहाँ 19/21 माइनस में मिल रहा था, b माइनस a करने से वो संख्या नहीं आएगी, यानी 19/21 जो यहाँ पे आ रहा था, यानी a माइनस b को हम लोग b माइनस a नहीं लिख सकते, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं इनका गुणफल क्या होता है, परिमेय संख्या का गुणफल। कोई भी गुणफल हम लोग ले लेते हैं, कोई भी परिमेय संख्या हम ले लेते हैं, परिमेय संख्या जैसे हम ला लेते हैं 2/3 एक संख्या है, और एक ले लेते हैं 5/9। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं का गुणफल निकालना यानी इंटू करना है, तो अब देखते हैं दो परिमेय संख्या का गुणफल क्या है। गुणफल क्या करेंगे, जस्ट 2 से 5 गुना कर देंगे यानी होगा 10, और 3 से 9 गुना कर देंगे यानी होगा 27। तो दो परिमेय संख्या गुना किया तो है 10/27, यानी ए के साथ बी को गुना किया। अब अगर इसको उल्टा कर दें, यानी 5/9 को अगर 2/3 से गुना करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा कि विपरीत, देखते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करो, गुना करते समय सिर्फ अंश वाले हिस्से को गुना करेंगे, यानी 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, और हर वाले हिस्से को यानी 9 और 3 को गुना करेंगे तो वह 27 ही आएगा। तो यहाँ से गुना करके हम देख रहे हैं कि दो परिमेय संख्या को ए, इसको ए और इसको बी माने, तो ए इंटू बी करने से जो उत्तर आता है बी इंटू ए करने से भी सेम उत्तर ही आ रहा है 10/27। यानी दो परिमेय संख्या को अगर a इंटू बी के रूप में हम लिखे तो उसे हम लोग b इंटू ए के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 2/3 इंटू 5/9 लिखने का मतलब जो है 5/9 और 2/3 लिखने का भी सेम मतलब ही है। तो क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसका भागफल क्या होता है, परिमेय संख्या का भागफल। कोई भी दो संख्या हम ले लेते हैं परिमेय संख्या, मान लेते हैं जैसे इस केस में 4/5 एक संख्या है, और एक संख्या हम ले लेते हैं 6/4, ये दो संख्या। अब इन दो संख्या का भागफल निकालना, भागफल है डिवीजन, यानी 4/5 और 6/4, यानी इसे हम चाहो तो लिखो ऐसे लिख सकते हैं 4/5/6/4। अब मालूम है बटे में जब होता है तो नीचे वाला हिस्सा वो उलट जाता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4/5 × 4/6, यानी ये क्या हो जाएगा, देखो ये हम गुना करेंगे तो आएगा 4 × 4 = 16/30 आ रहा है, यानी 4/5 के साथ जब 6/4 हमने डिवाइड किया तो आया 16/30। अब हम देखते हैं क्या ये 6/4 के साथ जब 4/5 डिवाइड करेंगे तो भी क्या सेम आता है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 6/4/4/5, यानी इस केस में भी क्या होगा 6/4 ये उलट जाएगा, आएगा 5/4, यानी क्या आएगा देखो 30/16। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 4/5 से भागा 6/4 जो आंसर आ रहा है, 4/4 से जब 4/5 को भागा दिया तब सेम आंसर नहीं आ रहा है, यानी a डिवाइडेड b का मतलब जो है b डिवाइडेड a का मतलब वो नहीं है। क्लियर हुआ, यानी a डिवाइडेड b जो होता है b डिवाइडेड a वो नहीं होता है। तो ये भी हमने सीखा परिमेय संख्या के केस में, क्लियर। अब हम अभ्यास के कुछ सवाल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 का b सवाल, ध्यान से देखो 1 के b में दिया हुआ है 4p + 32 = 0। अब यहाँ पे p का मान निकालना है कुछ इस तरह से कि इसे हम लोग p by q, क्योंकि यहाँ पे p एक चल राशि है तो इसे हम लोग a/b के रूप में सजाएंगे, p का मान निकालेंगे a/b के रूप में, यानी एक परिमेय संख्या के रूप में p का मान निकालने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो ध्यान से देखो 4p यहाँ पे +32 है, +32 जब बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा इस तरफ जाएगा, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो किस रूप में जाएगा, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -32 आएगा। ठीक है, अब फिर से ध्यान से देखो यहाँ पे जो 4 और p है ये गुना के रूप में 4 × p है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना कि 4 के साथ जब p गुना के रूप में है और ये 4 जब बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा तब किस तरफ जाएगा, ये क्रॉस होगा, जब भी गुना होता है गुना के रूप में होता है तब क्रॉस होकर नीचे की तरफ आएगा, यानी 32 के नीचे, यानी क्या होगा p बराबर -32/4, ये 4 नीचे आएगा। ठीक है, क्रॉस होकर नीचे की तरफ आएगा। अभी अगर काटेंगे तो 4 1 4 4 8, यानी आ कितना रहा है -8/1,
माइनस एट बाई वन को हम सिर्फ माइनस एट भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे सवाल में जो एक नंबर सवाल देखो वहां पे बोला गया है कि यहाँ पे जो मान निकलेगा उसे p बाई क्यू के रूप में, अब चूंकि यहाँ पे p पहले से एक चर राशि था a बाई वी के रूप में सजाएंगे, तो माइनस एट को माइनस एट ना लिखे हम लिख ही सकते हैं माइनस एट बाई वन, तो ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, जहाँ p का मान है माइनस एट और q का मान है वन। क्लियर हुआ? फाइव इक्वल टू फाइव प्लस वाई, और यहाँ y का मान निकालना है p बटा q के रूप में, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ सिक्स वाई है और यहाँ वाई है, प्लस वाई है बराबर के दाहिनी तरफ, अब प्लस वाई को जब बराबर के बाई तरफ लाएंगे तो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, तो होगा क्या, सिक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू फाइव, ठीक है? अब सिक्स वाई में से वाई माइनस होगा, सिक्स वाई यानी यहाँ पे छः वाई है और यहाँ पे एक वाई है, अब छः वाई में से जब एक वाई माइनस होगा तो पाँच वाई बचेंगे, ठीक है? तो ये होगा फाइव वाई इक्वल टू फाइव, यानी वाई का मान हम क्या लिख सकते हैं, फाइव, देखो फाइव वाई के साथ गुना के रूप में है, अगर इस तरफ जाएगा बराबर के दाहिनी तरफ तो हमने अभी अभी जाना कि क्या क्रॉस होकर नीचे की तरफ जाएगा, यानी फाइव बटा फाइव होगा, जो कट के कितना आएगा वन बटा वन, यानी वाई का मान निकला वन बाई वन, जो पी बाई क्यू के रूप में निकला, जहाँ पे पी का मान भी वन है और क्यू का मान भी वन है। क्लियर हुआ? तो ठीक है, इसी तरह से बाकी सवाल भी कर सकते हो। दो नंबर सवाल दिया हुआ है, वाई इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर ये मान है, अगर ऐसा है तो हमें होने से सिद्ध करना है कि माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस वाई इक्वल टू वाई, यानी एल एच एस बाएं हाथ में जो भी है ये दाएं हाथ के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना। तो यहाँ पे बाएं हाथ वाली राशि को हम लोग एल एच एस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और दाएं हाथ वाली राशि को हम लोग आर एच एस बोलते हैं, यानी राइट हैंड साइड, ठीक है? तो हमें ये सिद्ध करना है कि एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड बराबर आर एच एस है। तो फिलहाल अभी देख के तो तुम्हें लग रहा है कि एल एच एस में यहाँ माइनस है लेकिन आर एच एस माइनस नहीं है, तो क्या वाकई में एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है, ये हम प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। देखो एल एच एस, सबसे पहले हम एल एच एस को हल करेंगे, एल एच एस में दिया है माइनस माइनस वाई, यही एल एच एस। अब इसमें ये जो वाई का मान दिया हुआ है ये हमें यहाँ पे पुट करना है, यानी डालना है, माइनस जो है पहले से दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, वाई का मान भी माइनस में है, यानी यहाँ पे हमें एक और ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, मैं यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइनस फाइव बाई फोर, ठीक है? अब ध्यान से देखो, माइनस ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जब खुलेगा तब ये माइनस के साथ माइनस गुना होगा, माइनस के साथ माइनस गुना होने का मतलब प्लस हो जाना, एंड ये हो जाएगा प्लस फाइव बटा फोर। क्लियर? अब ये माइनस के साथ ये प्लस, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे प्लस है, माइनस के साथ प्लस जब गुना होगा तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस फाइव बटा फोर। तो क्या माइनस फाइव बटा फोर इक्वल टू आर एच एस है? देखते हैं। अब देखो आर एच एस वाला हिस्सा, आर एच एस में क्या है, सिर्फ वाई है, और वाई का मान क्या दिया हुआ, माइनस फाइव बटा फोर। तो देखो एल एच एस में भी हल करके माइनस फाइव बटा फोर आया, और आर एच एस में भी हल करके माइनस फाइव बटा फोर ही आया, यानी हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हो गया प्रमाणित या प्रूफ्ड। क्लियर हुआ? अब सवाल नंबर चार का वन देखते हैं, चार के वन में दिया हुआ है, देखो नाइन बाई इलेवन प्लस एक फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एक बॉक्स दिया है इक्वल टू जीरो, हमें इस बॉक्स के अंदर क्या होगा ये निकालना है, यानी नाइन बाई इलेवन के साथ क्या जोड़े कि जीरो हो जाए, ठीक? तो इन सब सवालों में हम चाहे तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो चाहे जहां पे खाली स्थान उसे मान लेंगे एक्स, ठीक है? 9 प्लस 11 के साथ x जोड़ेंगे तो 0 होगा। अब हम x का मान निकालेंगे, अब x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखो हमें x चाहिए, यानी x को बराबर के बाईं तरफ ही रखेंगे, और बराबर के बाईं तरफ जो 9 बाई 11 अगर इसको इस तरफ ले जाएं दाईं तरफ तो प्लस 9 बाई 11 है, वो हो जाएगा क्या माइनस 9 बाई 11, यानी x का मान क्या निकला माइनस 9 बाई 11। इसका मतलब भी यानी 9 बाई 11 के साथ x का मान देखो क्या निकल रहा है माइनस 9 बाई 11, इसके साथ अगर माइनस 9 बाई 11 करेंगे तो ही देखो ये कट के क्या आ जाएगा जीरो। क्लियर? यानी x का मान क्या निकल रहा है माइनस 9 बाई 11, यानी x अगर माइनस 9 बाई 11 है तो ही इन दोनों को जोड़ने से जीरो है। क्लियर? फोर के सी में देख रहे हैं कि 7 बाई 19 इंटू एक खाली स्थान इक्वल टू 1, यानी 7 बाई 19 के साथ क्या गुना करें कि 1 है। तो हमने क्या तरीका सीखा, इसको मान लेंगे x, x मानो y मानो z मानो कुछ भी मान सकते हो, एक भी कोई भी चर राशि मान लिया हमने x, तो x का मान निकालना है, x का मान निकालने से हमें पता चल जाएगा कि x की जगह सब में क्या आएगा। तब ध्यान दो x को हम बराबर के बाईं तरफ ही रखेंगे, 7 बटा 19 गुना के रूप में,
इनटू के रूप में, प्लस और माइनस के रूप में नहीं, अगर हमने जाना है कि इनटू के रूप में जब भी बराबर के दाईं तरफ जाता है तो क्रॉस होता है, यानी नीचे वाली राशि जो ऊपर जाती है और ऊपर वाली राशि नीचे आती है, तो नीचे वाली राशि 19 जब ऊपर जाएगी तो एक के साथ गुना होगी, वन के साथ गुना होगी, वन इंटू 19, और नीचे वाली राशि 7 जो है वो जब नीचे जाएगी, यानी 1 इंटू 19 के नीचे 7 आ जाएगा, यानी x का मान क्या निकला, देखो 1 इंटू 19 19 ही होता है, और ये 7, यानी x की जगह असल में कौन होगा 19/7, x की जगह में होगा असल में 19, यानी 7/19 पहले से ही था, x की जगह क्या मानेगा 19/7, तो इसे देखो काट के एक दो कट गया, ये कट गया, बचा 1, देखो वही है तुम्हारा RHS में बराबर के दाईं तरफ, यानी x का मान क्या निकलेगा 19/7। 4 का f देखते हैं, 4 के f में बराबर की बाईं तरफ जो है वो -8/3 into -21/20 equal to gap, एक fill in the blanks दिया हुआ, इसका मान निकालना है, मान लेते हैं ये x, तो हमें x का मान निकालना है, x देखो बराबर के पहले से ही दाईं तरफ, यानी x जैसे उसको वैसे ही रख देंगे और इस वाले हिस्से को हल करेंगे, -8/3 के साथ गुना होगा -21/20, ठीक, यानी अब देखते हैं कि -8/3 और -21/20 में कुछ कटता है कि नहीं, तो सबसे पहले देखो माइनस के साथ जब माइनस गुना होगा तो वैसे ही प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो बचेगा क्या 8/3 इंटू 21/20 इक्वल टू एक्स, कुछ कट रहा है तो काट देंगे, ये 3 से देखो हमेशा नीचे से ऊपर का डिवीजन होगा, क्रॉस कर सकते हैं, निकाट सकते हैं, 3 से 21 कटेगा 7 बार में, और यहाँ पे 8 और 20 है, ये 4 से कटेगा 4 दो बार में और 4 से 5 बार में, यहाँ ऊपर 2 और 7 बचा है, 2 इंटू 7 है, यानी ऊपर हो जाएगा 14, और नीचे यहाँ पे 1 और यहाँ 5, नीचे 5 इंटू 1 यानी 5, ये हो गया x का मान, यानी इन दोनों को गुना करने से x का मान आएगा 14/5, ठीक है, इसी तरह से बाकी सवाल भी हल करेंगे।